हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। दोस्तों आज के इस वीडियो में 20 GK का क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया है, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। ठीक है, मतलब कि पूरे विश्व में सबसे पहले नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, इटली में विश्व में नवजागरण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो दो नंबर का क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार है। चलिए देखते हैं दो नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो मतलब कि दोस्तों दो नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयास से हुई थी। ठीक है, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मुसोलिनी, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है हिटलर, चौथा है मार्टिन लूथर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दो नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स जो है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत के लिए प्रयास किए थे। ठीक है, इनका अहम योगदान रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो तीन नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। तीन नंबर के क्वेश्चन में चलिए दोस्तों देखते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों तीन नंबर का क्वेश्चन यही है, इसमें यही पूछा गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, और दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सावरकर। ठीक है, तो दोस्तों जो तीन नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीन नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस जो थे वही ये नारा दिए थे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर का जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। चार नंबर के क्वेश्चन में ये भी एक नारा ही बोला गया है। इसमें कहा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों जो चार नंबर का क्वेश्चन है इसमें यही बताया गया है, करो मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों इसका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँच नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों पाँच नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है, दिल्ली चलो यह नारा किसने दिया था। इसका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है विनायक सावरकर, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है भगत सिंह। तो दोस्तों जो पाँच नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों छः नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। छः नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों छः नंबर में यही पूछा गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भगत सिंह, दूसरा है हसरत मोहनी, तीसरा है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चौथा है मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों जो छः नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों जो सात नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों जो सात नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, सात नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पंजाब, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सात नंबर क्वेश्चन का सी, केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आठ नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों आठ नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। दोस्तों इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है नागासाकी, दूसरा है हिरोशिमा, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है होंसू। तो दोस्तों जो आठ नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब कि
नागासाकी और हिरोशिमा दोनों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने शहर पर परमाणु बम गिराया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ 9 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों 9 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है वर्ष 1916, वर्ष 1917, दूसरा तीसरा है वर्ष 1918, चौथा है 1915। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि डी वाला जो ऑप्शन है सही है, 1915 वर्ष 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, चलिए देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो यही पूछा गया है जर्मनी एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ। ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण युद्ध था किस युद्ध के बीतने के बाद यह युद्ध हुआ था। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है प्रसा इटली युद्ध, दूसरा है प्रसा फ्रांस युद्ध, तीसरा है जर्मनी इटली युद्ध, चौथा है जर्मनी फ्रांस युद्ध। तो दोस्तों जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इस 10 नंबर का क्वेश्चन है जो दोस्तों एक सेकेंड, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रसा फ्रांस का जो युद्ध था जर्मनी के एकीकरण के पश्चात हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 11 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, दूसरा है अमेरिका की क्रांति, तीसरा है रूस की क्रांति, चौथा है ये सभी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर के क्वेश्चन का ए, फ्रांस की क्रांति जो थी, क्रांति स्वतंत्रता बंधुत्व तो समानता का नारा दिया गया था इसमें फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई, दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है वर्ष 1929 से 1930, वर्ष 1930 से 1931, वर्ष 1931 से 1932, वर्ष 1932 से 1933। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1930 में विश्व आर्थिक महामंदी की घटना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 13 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, चलिए देख लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे, निम्न में से कौन से थे जो सैयद वंश के संस्थापक थे। दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है मुबारक शाह, दूसरा है खिरीज खां, तीसरा है मोहम्मद शाह, चौथा है ये सभी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, खिरीज खां जो थे सैयद वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। 14 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है हर्यक वंश का संस्थापक जो था वह कौन था, उसका क्या नाम था। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है बिम्बसार, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है धनानंद, चौथा है उदयन। तो दोस्तों जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिम्बसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, जो बिम्बसार था हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 15 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। दोस्तों जो पाटलिपुत्र थी उसकी स्थापना किस शासक ने किया था, इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है अजात शत्रु, दूसरा है अशोक, तीसरा है महापद्मानंद, चौथा है उदयन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर के क्वेश्चन का उदयन डी, पाटलिपुत्र की स्थापना के शासक थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है।
चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, तो दोस्तों जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका 5 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा अजात शत्रु, तीसरा है उदयन, चौथा है घनानंद। तो दोस्तों जो 16 नंबर है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक सेकेंड, डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला जो ऑप्शन है सिकंदर के समकालीन थे घनानंद जो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन में। दोस्तों यही पूछा गया है, एकता प्रणाली पहली बार कब लागू की गई थी। एकता की जो प्रणाली है पहली बार कब लागू की गई थी। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है ऐबक द्वारा, दूसरा है इल्तुतमिश द्वारा, तीसरा है अकबर द्वारा, चौथा है बलबन द्वारा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश द्वारा, बी इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 18 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों 18 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, अशोक नाम का कोई व्यक्ति था, वो बौद्ध धर्म के संत को मतलब सुन के वह बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए, उसका क्या नाम था। उक्त गुप्त पहला, दूसरा है विष्णुगुप्त, तीसरा है बृहद्रथ, चौथा है ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों जो इसका 18 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उपगुप्त। उपगुप्त जो थे अशोक ने बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक, उपगुप्त नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों 19 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है हिंदी यवन, दूसरा है शक, तीसरा है कनिष्क, चौथा है हर्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का क्वेश्चन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला जो ऑप्शन है सही है, हिंद यवन जो था सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 20 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। कनिष्क 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कनिष्क ने किस वर्ष तक संवत की शुरुआत की, मतलब कि शक संवत को जो स्टार्ट किया गया किस सन में किया गया है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही है 20 नंबर के क्वेश्चन का। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है सी 18वीं वर्ष तक संवत की शुरुआत की। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो कुछ इतना ही था और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ठीक है, फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।